अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 दिसंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज और आवेदन की स्थिति को लेकर। जी हाँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आप लोग के जो भी कमेंट्स है उसका आंसर करेंगे और कुछ टीचर वैकेंसी को लेकर आपके सामने अपडेट रखेंगे। देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा फरवरी में, टीजीटी पीजीटी अप्रैल में होगी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर वही 9-10 फरवरी, टीजीटी परीक्षा 4 और 5 अप्रैल को होने वाला है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने डीएम से मांगी परीक्षा केंद्रों की सूची। कुंभ मेला और यूपी बोर्ड परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखकर आयोग कर रहा है तैयारी, ठीक है। अलीगढ़ बीएसए नहीं लगा पाए भिन्न का हिसाब, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वीडियो वायरल, देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने भी रखा जाएगा अभी। फिर उसके बाद सभी 75 जिलों में आयोजित होगी पीसीएस प्री परीक्षा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं आप लोग के कमेंट के आंसर को लेकर। जो आपका कमेंट है, सभी बच्चों के कमेंट का आंसर किया जाएगा। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले आपके मन में एक ही सवाल होता है कि सर स्टेट रैंक कितना और समय लगेगा। जी हाँ, ठीक है, ये सवाल आपके मन में क्या सबके मन में होगा कि कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि किसी को सब्र करना पसंद नहीं और हमको बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हमको भी, हम आपको बता दें, हम भी सोचते हैं आपके जैसे, यार कल स्टेट रैंक आ जाए, लेकिन कभी कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि पीएनपी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। जो 12वीं वर्ष ग्रेजुएशन का मामला चल रहा है, ये कोर्ट में है, ठीक है। अब कोर्ट का फैसला 12वीं छात्रों के साथ आ गया, इनके पक्ष में आ गया कि चलिए ठीक है कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलना चाहिए। तो अब पीएनपी के पास दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प कि 12वीं पास छात्रों को ये मौका दे दें, दूसरा विकल्प डबल बेंच में जाकर ये स्टे ऑर्डर ले लें, ठीक है, जो आदेश है उस आदेश पर स्टे लग जाए, ठीक है। तो बस इतना करना है। और इसके अलावा जो आप सोच रहे होंगे तीसरा विकल्प, छोड़ो भाई कोर्ट का आदेश, डायरेक्टली इनको एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करें, स्टेट रैंक लाए, काउंसलिंग करा लें, ठीक है, और मामला नेक्स्ट सेशन पर छोड़ दिया जाए कि जो अगला सत्र आएगा 2025 का वो जाने। आपके मन में ये सवाल भी आता होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसा संभव नहीं है, अगर पीएनपी कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगी तो भैया जज साहब उनको कोर्ट में तलब कर लेंगे, ठीक है, पीएनपी सचिव जी को, कि भैया आइए आप बताइए कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। तो सोच सकते हैं, आप लोग काफ़ी वीडियो देखे होंगे, वायरल होती है कि जब जज साहब के सामने कोई जाता है ना, तो उनकी बोलती वहाँ बंद हो जाती है, आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, डायरेक्ट एडमिशन, ये दोस्तों आफ्टर काउंसलिंग होता है, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और सीटें खाली रह जाती है, तो लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस इसलिए अपना लिया जाता है कि भैया कॉलेज की जो सीटें हैं 100% भर दी जाए, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसेस लाया जाता है 100% सीटों को भरने के लिए। फॉर्म भरने में अगर आपसे गलती होगी तो क्या सुधारा जा सकता है, तो आपको बता दें करेक्शन का मौका आपको नहीं मिल पाता। डीएलएड करेक्शन की डेट, क्या कोई करेक्शन की डेट आने वाली है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि देखिए 25 अक्टूबर के बाद से आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, या मतलब फॉर्म भरने की, सारी खत्म हो गई। 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म का, ये या चलिए एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इस वेबसाइट पर, यहाँ पर यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन की फीस, एक्टिविटी यूजर्स की, और यूपी टेट और यूपी जूनियर एडेड, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आते हैं तो आपके आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होती है, 25 अक्टूबर तक चलती है, लास्ट डेट टू सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नो योर रैंक, कैंडिडेट सर्विसेज में आपको नो योर रैंक का ऑप्शन मिलता है, और ठीक है, 4 दिसंबर दिन है बुधवार, dlrdigital.com पर भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। चलिए पहले हम लोग कुछ कमेंट्स का आंसर कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर हमने कमेंट्स के आप आंसर नहीं बता रहे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सर मेरा 204 नंबर ओबीसी थे तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नहीं सर, आपको प्राइवेट मिलेगा। स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या क्राइटेरिया है? ठीक है, वो आपको कॉलेज वाले आपको बता देंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास मिनिमम तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास करना होता है क्या यूपी से बगैर वालों के लिए? देखिए, चाहे वो बच्चा यूपी का हो चाहे वो अदर स्टेट का हो, ठीक है, सभी को क्लास करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ बच्चे कॉलेज में जाकर पहले से बात कर लेते हैं, अपनी सेटिंग कर लेते हैं, तो फिर वो नहीं करते, ठीक है। क्लास करना तो वैसे सभी बच्चों के लिए अनिवार्य ही होता है, डीएलएड 2 साल का रेगुलर कोर्स है। चलो, सब लोग दिल्ली धरना करने, मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने,
देख सकते हैं, जब मामला कोर्ट में होता है तो धरने से भी कोई उसका हल नहीं निकल पाएगा। ठीक है सर, 1 ईयर बीएड 2025 से स्टार्ट होगा क्या सर? अगर 2025 से स्टार्ट हो जाए तो मैं बीटीसी ना करूं, मेरा एमएससी हो गया है, मैं बीएड ही कर लूं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो 1 साल का बीएड या 2 साल का बीएड के चक्कर में आप लोग सोच रहे हैं ना, तो बीएड करने के बाद होगा क्या? अगर आपने मान लीजिए बीएड कर लिया तो होगा क्या, उसके बाद आप 6 to 8 की वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे या 9 से 10। इसके लिए 9 से 10 वाली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 वाला मामला आपका फंसेगा, सोच समझ के आपको कोई स्टेप उठाना है। सर मेरा 237 है ओबीसी फीमेल, डाइट फीमेल कैटेगरी मेल से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है जी हाँ, डाइट का शांत रहेगा सर। टीजीटी पीजीटी वालों की शुरू में सैलरी कितनी मिलती है पीआरटी वालों की तुलना में? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 to 5 लेवल पर आएंगे टीचर में तो इनकी सैलरी कम रहेगी, 6 to 8 की उससे ज़्यादा रहेगी, 9 से 10 की उससे ज़्यादा रहेगी, 11 से 12 उससे ज़्यादा। हर लेवल पर आपको सैलरी बढ़ते हुए दिखेगी, हर जगह लगभग 4 से 5 हज़ार का आपको अंतर देखने को मिलता जाएगा। सर क्या 1 वर्ष बीएड में पीआरटी और टीजीटी पीजीटी वालों सब में शामिल होंगे? देखिए पीआरटी का नहीं बता सकते क्योंकि इसी में तो आपको बीएड के छात्रों को बाहर किया गया, पीआरटी लेवल से 1 to 5 से ही तो बाहर हुए हैं। जब इससे बाहर हो गए तो बड़ी वैकेंसी यहीं पर आती है, उसके बाद लोग बीएड करना बंद कर दिए। सर जी 1 वर्ष बीएड करने में कुल कितना खर्चा बैठेगा? तो जो उनकी फीस होगी मान लीजिए 50 हज़ार के आसपास तो लगभग खर्चा आने चाहिए। ठीक है एक बार पता करना पड़ेगा, बाकी सरकारी कॉलेज में कम पैसे में हो जाएगा, प्राइवेट में ज़्यादा लगेगा। सर ना ही स्टेट रैंक आएगी और ना ही एडमिशन हो पाएगा, स्कॉलरशिप की डेट भी निकल जाएगी। हमने तो पैसे उधार लेकर एडमिशन लिया है, सोचा है कि स्कॉलरशिप आ जाएगी और अब घर से डांट खाते हैं रोज कि तेरा कब एडमिशन होगा, और कॉलेज वाले ने पहले ही 50 हज़ार रुपये ले लिए। क्या ही बताएं सर आपको, आप लोग पैसा क्यों दे दिए बताइए? मतलब जब स्टेट रैंक ने आई एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं, आपने एडवांस में पैसा क्यों दिया? ठीक है ये आप लोग बड़ी लापरवाही करते हैं ना, इतनी वीडियो हम बनाते हैं, आप लोग काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर आप एक वीडियो 2 बार कभी डाल देते हैं, ठीक है वही वीडियो रिपीट, इतनी बार वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है अब क्या ही बताया जाए, फिलहाल आप इंतजार करिए, जब तक एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक आपका ऑफिशियल रूप से एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है कॉलेज वाले ले लिए हैं बस आपसे, बीटीसी का स्टेट रैंक कब निकलेगा इंतजार करना है। सर ओबीसी से डीएलएड के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज चाहिए? आपका चाहिए 45% मिनिमम, जनरल कैटेगरी में 50%, 245 पे जी हाँ आराम से मिल जाना चाहिए। आप अपने वीडियो में कमेंट कहाँ से लाते हैं सर? सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो ही तो आता है, देखिए आपने भी एक कोई कमेंट किया होगा तभी तो ये आपका कर रहे हैं ना। सर ओपन काउंसलिंग कब होगा और कैसे होगा उसका भी बता दीजिए। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होगा, पहले आपको स्टेट रैंक डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। सर प्लीज़ कब तक होगा एडमिशन? सर जी हाँ कोर्ट में मामला है, थोड़ा सा इंतजार करिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अनलिमिटेड वैलिड होता है या लिमिटेड? ये तो देखिए कोई भी फॉर्म देखिए जब भी निकले ना, जब सर्टिफिकेट को लेकर बच्चे बहुत बार क्वेश्चन करते हैं, कुछ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म आ रहा है तो 6 महीने के अंदर का सारा सर्टिफिकेट होता है तो बेहतर होता है, वैसे उसमें वैलिडिटी देख लीजिएगा, हमें ध्यान नहीं है कितना रहता है। ठीक है सर मेरा 243 है ईडब्ल्यूएस, क्या मुझे? जी आराम से मिलेगा सरकारी कॉलेज। सर ईडब्ल्यूएस कब तक वैलिड? ठीक है सर मैं ओबीसी से हूँ। ठीक है सर मेरा स्टेट हमीरपुर है, मेरा 205 नंबर, प्राइवेट ही मिल पाएगा आपको? सर लग रहा है कि एडमिशन नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, आपने पैसा दिया रजिस्ट्रेशन का तो एडमिशन होके रहेगा। सर कब काउंसलिंग होगा ये क्लियर बताइए, इंतजार करना है अभी फिलहाल। 192 है टोटल मेरा, एससी से हूँ, प्राइवेट मिलेगा आपको? सर बहुत समय ज़्यादा हो गया है, लास्ट महीना है जी हाँ, 2024 का लास्ट महीना चल रहा है। ठीक है लेकिन आपका बैच याद रखिएगा 2024 ही रहेगा, भले 2025 से आपकी क्लास क्यों ना लगे, 17 शून्य तो नहीं होगा, प्लीज़ बताइए। अब देखिए फॉर्म वॉर्म भरा कर 17 शून्य करना, ये तो बड़ी लापरवाही होगी ना। सर एससी कैटेगरी से 225 से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? जी हाँ चांस आपका रहेगा क्योंकि 225 नंबर और एससी कैटेगरी काफ़ी है। सर क्लियर रिजल्ट बताया करिए, आप खुद कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास कब से शुरू होगी। देखिए आपको हम बता दें, कंफ्यूजन की बात नहीं, जब तक स्टेट रैंक नहीं आती है तब तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है सर आपने बताया ही नहीं कि मुझे 161 पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं, देखिए 161 नंबर आपके हैं, आप 1 से लेकर 2,40,000 रैंक में नहीं आएंगे, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस होगा आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, यूपी बहुत बड़ा है। ठीक है 2 लाख से ज़्यादा सीट्स हैं यूपी में। सर मेरा 231 है, जी हाँ चांस बनेगा आपका। सर मेरा 214 है, प्राइवेट मिलेगा? कब आएगा स्टेट रैंक, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी आपको? ठीक है
कोर्ट के फैसले का तो वेट करना ही पड़ेगा सर। मेरा 223 नंबर है, प्राइवेट ही मिल पाएगा सर आपको। ये दोस्त तो देख सकते हैं, स्टेट रैंक का पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, स्टेट रैंक पहले आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ठीक है आपके मेरिट के हिसाब से सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। देख लीजिए कुछ बच्चे आरक्षण का फायदा कैसे लेते हैं। 232 नंबर इनके हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे ये भी हैं, और 231 नंबर ये भी जनरल कैटेगरी के हैं, तभी इनका EWS बना है ना। इनका देखिए कम नंबर पर सरकारी कॉलेज मिला, इनका ज़्यादा नंबर पर भी नहीं मिल पाया, तो ये फायदा होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन के विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स, ठीक है जो भी आपने लगाएंगे, और यहाँ पर सारे नंबर एकदम सही होने चाहिए। जब आप जाएंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये सारी चीज़ों की जाँच होती है, ये देखा जाएगा दोस्तों। स्टेट रैंक के हिसाब से यहाँ से आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बाकी अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर ही आपको मिलेगा, मतलब किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स, निवास, जाति, आधार कार्ड, शपथ पत्र और पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगी। शुरू में हमने बोला कि और क्या बात है, जरा देखिए यहाँ पर फिलहाल एक सवाल था, अलीगढ़ BSA नहीं लगा पाए, भिन्न का हिसाब, भिन्न 1/3 और 2/4, एक यहाँ पर लिखते हैं 1/3 और 2/4, ठीक है इसको जोड़ना है, तो आप लोग बताइए जोड़ के कैसे होगा। ठीक है जोड़ा तो उन्होंने पूरा एक दिखा दिया, जबकि गणित कहता है कि अगर 1/3 2/4 को जोड़ा जाए तो वह 10/12, यानी सरल करे तो 5/6 आएगा। ऐसे में वह कैसे एक पूरा हिस्सा बन सकता है, जबकि गणित कहता है कि 1/3 में जब 2/3 को मिला दें तो वह पूरा एक भाग बन जाता है। इस संबंध में BSA डॉक्टर कुमार बताए कि वह वीडियो बनाते समय जुबान लड़खड़ा गई, यह मानवीय भूल। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या गलती की, 1/3 और 2/4 को जब उन्होंने जोड़ा तो एक दिखा दिया, तो उनको ऐसा लगा होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उनको क्या लगा होगा, 1/3 + 3/4 लगा होगा। नहीं तब भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये होता है अंश, ये होता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको ध्यान दे रखना होगा। ठीक है जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सके, ठीक है 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 + 3 × 2 = 6, ठीक है 10/12, या आप 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6 कर सकते हैं, या तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, काफ़ी तरह हैं करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरल करें तो 5/6 आएगा, 5/6 हमारा भी आ रहा, लेकिन उनसे गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, BSA मतलब सबसे पावरफुल पोस्ट होता है, याद रखिएगा BSA के पास इतना अधिकार होता है कि भैया वो आपको आपकी नौकरी से ख़त्म कर सकता है 1 to 5 में। अगर आप प्राइमरी लेवल के एक टीचर हैं तो भाई BSA आपके लिए बहुत बड़ा पद होगा, ठीक है आपके वो अधिकारी रहेंगे। बाकी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी ये सब है कि कुछ डेट्स आ रही हैं उसके लिए बच्चे तैयारी में लग सकते हैं, बाकी डेट एक्सटेंड होती है कि नहीं इस पर हम लोग की नज़र बनी हुई है, क्योंकि जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आती तब तक आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि डेट एक बार और बढ़ जाए, भले ही एक दिन के लिए बढ़े, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।